टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएम वली पर। आपको बता दें कि एमएम वली में सुकून हाइट सोसाइटी का पानी का मुद्दा अभी हल ही नहीं हुआ था कि वहीं पर अब ग्रेस स्कोर सोसाइटी का मामला सामने आ गया है। दरअसल आज यहां ग्रेस स्कोर सोसाइटी के पानी कनेक्शन को जो है काटने को लेकर यहां पर काफ़ी हंगामा हो गया। दरअसल ये पानी का ग्रेस स्कोर सोसाइटी का कनेक्शन है और सोसाइटी के लोगों का ऐसा आरोप है कि मनपा के कर्मचारी यहां पर आए थे और इस पाइप को जो है काट इस कनेक्शन को काट दिया गया था। इस यहाँ पे जो मनपा कर्मचारी थे थोरात, उनसे भी हमने बातचीत की है, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है कनेक्शन ढीला था, वाल ढीला था, इसे दुरुस्त किया जा रहा था, इसलिए जो है यहाँ पर काम शुरू किया गया था। लेकिन सोसाइटी के जो लोग हैं ग्रेस स्क्वायर के, उनका कहना है कि कनेक्शन काट दिया गया था, विरोध किया गया, जबकि नेताओं से बात कराई गई, उसके बाद इस कनेक्शन को जोड़ा गया है। और यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर और कटर तमाम चीज़ें लेकर आए थे। जब इसके बारे में पूछा गया बिल्डिंग मशीन, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है काम शुरू किया गया है, उसलिए ये सब चीज़ें लेकर आई गई हैं। बहरहाल उन लोग जो मनपा के कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि ये जो ग्रेस स्कोर का कनेक्शन जो है ये काटा नहीं गया था, इसका वाल का काम था, इसलिए सिर्फ इसके वाल का काम किया गया। लेकिन ग्रेस स्कोर सोसाइटी के जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनका साफ कहना था कि इसे काट दिया गया था, विरोध करने के बाद जोड़ा गया है। इस दौरान क्या कुछ मनपा की और ग्रेस स्कोर सोसाइटी के लोगों ने कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? बंडू गोबन थोरात। अच्छा, क्या मामला था कनेक्शन ग्रेस स्कोर का? ये लोग बता रहे काट दिया गया था, क्यों काट दिया गया था? क्या आपने पत्र व्यवहार किए थे? हमने पत्र व्यवहार करने, हमको ऊपर से आदेश आया, हम इधर काम करने को आया। क्या कहा गया था? किसका आदेश था? अभी हमको आदेश था वरिष्ठ अधिकारी। वही मतलब क्या कहा गया था? क्या ये वाल निकालो? क्यों, आखिर वजह क्या थी निकालने की? अभी ये तो मेरे को मालूम नहीं, खाली कहा गया था आप जाकर काट दीजिए। हाँ, काट दिए नहीं, ये वाल निकालो। वाल निकालने के लिए कहा गया? हाँ, वाल निकालने को कहा है। ये कह रहे हैं आप वाल निकालने के लिए? ये बोल रहे हैं वाल निकालने के लिए, वो लाइन कट करने के लिए आए थे। वो तो सब ग्रेस सोसाइटी के सारे लोग आके जमा हो गए, तो ये हम लोग ने वापस ज्वाइन करवाया है। और ये क्या है कि ये सुकून में पानी नहीं आ रहा करके ये बोल रहे ग्रेस का लाइन काट दो। अरे यही लाइन से तो हमको पानी आ रहा है। हमने भी 7 लाख 8-10 लाख का टैंकर मंगाया है एक फेस ने, ये फेस वालों ने भी 10 लाख का टैंकर मंगाया, 40 लाख का टोटल टैंकर है हमारा, 10 लाख का टैंकर। हमने भी 50 लाख का टैंकर मंगाया है, फिर अवार्ड साहब के पास, इसके बाद भाग दौड़ के ये लाइन आया है। तो इससे हमको आधा घंटा पानी आता है पूरे दिन में, यही लाइन से। और ये लोग यही लाइन काटने आए, ये बोलते आगे पानी नहीं जा रहा। अरे पानी नहीं जा रहा तो आप प्रेशर बढ़ाओ। कहाँ पानी नहीं जा रहा है? सुकून में बोलते पानी नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा तो हमारा लाइन काट के आप सुकून को दोगे क्या? हम टैक्स नहीं भर रहे हैं, म्यूनसिपालिटी का पानी नहीं भर रहे, हम भी तो बिल भर रहे हैं ना। और ये इधर स्टेडियम में 24 घंटा 12 घंटा पानी गिरता है ओवरफ्लो होके, हमारे पास वीडियो है, मैंने सबको टैग किया, मांगता तो वो वीडियो मैं आपको भी देता हूँ। अरे भाई वो पानी पीने का पानी नहीं है। तो कहाँ से आता पानी? ये जो लाइन अंदर गया है वो कहाँ का पानी है? अपनाने का वो ड्रेनेज का लाइन का पानी है ना। तुझे गोष्ट वेगळी, मी काय बोलतो कुठले कोणाच्या पत्रव्यवहाराने तुम्ही इथे आला ते सांगा मीडियाला। नाही नाही, पण बघा आम्हाला अधिकारीचं नाव तर सांगा साहेब। वरिष्ठ अधिकारी सांगितलं नाही, वरिष्ठ अधिकारी वाल काढायला आलो साहेब, काय नाव जे पण तुमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असेल कोणतं असेल ना, तुम्हाला आदेश दिला असेल काही, इथे जाऊन ग्रेसच्या समोर ते वाल काढून टाका। वाल काढण्याचा प्रश्नच नाही, तर साहेब वेल्डिंगचा मटेरियल आलेलं आहे समोर साहेब, वेल्डिंगचा मटेरियल आला म्हणजे जॉईंट करून पाणी बंद करायचं। हां बरोबर सर, कोई भी बिल्डिंग का अगर आप कनेक्शन काटते हैं, वाल बंद करते हैं, तो कम से कम उन्हें सूचित किया जाता है, बताया जाता है, तो क्यों नहीं बताया गया ऐसा? और आप आए आज काट दिए, बंद कर दिए, यहाँ पर लोगों का विरोध होने के बाद फिर आपने जोड़ा? नहीं वो विरोध देखो भाई, बात करवाए ना, इंफॉर्मेशन दिए ना, रीजन दिए, इंफॉर्मेशन भी नहीं दिए और रीजन भी नहीं दिए क्यों। और ये सोल्यूशन है क्या? आप पानी काट के एक जगह का पानी काट के दूसरे को देंगे, सोल्यूशन है क्या?
वॉल बंद करने के लिए गैस कटर वगैरह थोड़ी लगता है पूरा, ये तो तैयारी के। अरे भाई हमको उधर का काम करना है वो साइड पे। ठीक है अपन बोलता तिकड़े काम कर जाए, ज्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी काम चालू आहे त्या ठिकाणी सर्व हे ठेवलेलं आहे ना। आप काम बिल्डिंग काम रुका रहे नहीं, हमारा लाइन पानी आ जाएगा, साहब ऐका ना, गवर्नमेंटच्या आमच्या कामाचा अडथळा आणायचा प्रश्न आहे। प्रश्न इथे आला लोक कशाला उतरली आहे का, तुम्ही जे लाईन चालू होती पुढच्या बिल्डिंगला पाणी नाही, आम्ही कोणाच्या बिल्डिंगचं नाव नाही घेतात, पण त्यांनी पण प्रयत्न करून त्याने पण प्रेशर वाढून पाणी आणायचा आणि आमचं काय सांगायचं हे नाही। एक को काट के एक को खुश कर, पूरा बिल भरा हुआ है, कल मैंने पूरा भरा हुआ रनिंग 21 और 22 का भी बिल भरा हुआ हूँ। और क्या चाहिए बोलो, टैंकर का पैसा देने के बाद भी हमने हमारी सोसाइटी का जो टैक्स आता है गवर्नमेंट का वो भी भरा हुआ है। चलो हमारा बाकी रहता है, हमारा काटने तो समझ में आता है, चलो भाई इनका भाई 11 लाख 12 लाख पेंडिंग है। अच्छा अभी यहाँ पर जैसे लोग बता रहे कि आप लोग आए तो ये काट दिया गया था, काट दिया गया था, एक घंटा पहले काट दिया गया था, मैं खुद अकेला आया था और हमारे मोदी चाचा आए थे, वो रबर ढीला हो गया था तो काट दिया गया था, यही बोले रिपेयरिंग चालू है। वो हटाओ काटने काट दिया, आप काम करना है काम करो, शाम तक पानी आ जाता है तो फिर ठीक है, मुश्किल नहीं हमारे को, काम के हमें रुकावट नहीं है। वो बोलने के काटने के लिए ये आप बोल के जाते हो कि भाई हम ये काम करके हम चले जाएंगे और हमारी लाइन वापस आपको पानी आ जाएगा, दिया था ना आप वो बोल के जाओ साहब। जब हम लोग इकट्ठा हुए उन लोग ने आए पूरा लाइन काट दिया, जब हम लोग पूरे बिल्डिंग वाले इकट्ठा हुए तो वापस उन्होंने मतलब के लाइन जोड़ दिया। अभी जब काम कर यही बात है, कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए उनको कि भाई बिल्डिंग का लाइन कट रहा है। अभी हम लोग 50 लाख रुपया बिल भरे टैंकर का और अभी हम लोग को पानी भी नहीं मिलेगा। टैंकर का भी बिल भरो, बीएमसी का भी बिल भरो, कल हम लोग ने बिल भरा पूरा 21-22 का, पूरा फुल पेड है ईयर का, फिर भी हम लोग का नल काट रहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या प्रॉपर्टी टैक्स भरने का, लाइट बिल भर दिया, सब कुछ भर दिया, फिर भी हमारा लैंड काट रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे से ज्यादा फ्लैट है, कॉल किसको किए थे आप लोग के लिए जोड़ा गया है? रोहता मैडम को कह रहे, तो रोहता मैडम से बात हुई, फिर थोरात साहब से बात करे तो फिर ये जोड़ा गया है। देखो हमारा बोलने का मतलब ये है कि चलो सुकून में आगे जाके पानी का प्रॉब्लम है वो हमको भी समझता है, हम लोग भी 1.5 साल भागे हैं तब जाके हम लोग ने यहाँ वहाँ हाथ पैर भी जोड़े हैं, हम लोग ऑफिस में भी गए सब जाके हमको लाइन मिला है, यहाँ पे हम लोग सबको बोला, हम लोग ने रिक्वेस्ट किए तब जाके हम लोग को ये लाइन मिला है। अभी एट द एंड ऑफ द डे टीएमसी को ये सोचना चाहिए कि अगर ये लाइन में इतने रेसिडेंट्स है तो हमको यहाँ प्रेशर कैसे बढ़ाना है ताकि सब लोग के लिए पानी ओके हो जाए, ना कि किसी का लाइन काट के उनको भी मुसीबत में डालो और वो भी मुसीबत में रहेंगे, उनका कनेक्शन जो है इतने से पूरा होने वाला नहीं है। आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने टीएमसी को बोलो कि टीएमसी यहाँ पे एक लाइन डालो या कुछ डालो, आगे भी रेसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनको तकलीफ है हमारी तकलीफ है, लेकिन हम भी ये तकलीफ से जूझे, 2 साल हम लोग भी भागे हैं, पूरी टीम हमारी 2 साल हम लोग भागे, तब जाके हम लोग मिला, दोनों बहुत भागे, 7 लाख का हम लोग ने टैंकर भी भरा। और एक बात क्या है कि बिना इन्फॉर्मेशन बिना सोसाइटी को मालूम किए ऐसे लाइन में ऐसा काम करना एकदम बेगुनाह किया गया, उससे लोगों का नुकसान होता है, कुछ भी करके जाएंगे शाम में पानी नहीं आएगा, इसे मालूम है फिर म्युनिसिपैलिटी वापस बदनाम होगी कि प्रेशर नहीं है ऐसा नहीं है, इसलिए बिना इन्फॉर्मेशन बिना सोसाइटी को बताए ये सब काम नहीं दोबारा नहीं हुआ है तो अच्छा है। भाई रानी सर पानी का क्या मसला था यहाँ पर? तो पानी का मसला मतलब अभी प्रेशर कम है इसके लिए हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो ग्रेस स्क्वायर के जो लोग हैं इनका कहना था कि कनेक्शन उनका काट दिया गया था, नहीं उन्होंने विरोध किया उसके बाद फिर जोड़ा गया। नहीं कौन सा कनेक्शन काटा था उनका? ये वाला ये, जो स्वीडन से हमारा लाइन जा रहा था काटा था, किधर काटा था? इधर का काटा था, और क्या किधर का काटा था, ये लाइन काट के तो वहाँ ज्वाइन कर दो साहब उतरे तो उन्होंने ज्वाइन किया, हम लोग को अधिकारियों से बात करवाना पड़ा वो लाइन ज्वाइन करने के लिए, अभी आप लोग बोल रहे हम लोग काटने के लिए नहीं आए तो फिर कागो काटे वो पूरा लाइन काट के अलग किया अभी ज्वाइंट मारा उसको। सर मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से कि ये आप लोग बोल रहे टीएमसी प्रोजेक्ट है अपना, ये टीएमसी प्रोजेक्ट है मुमरा का पॉश इलाका है, यहाँ लोग प्रॉपर्टी टैक्स पानी का बिल पैसा देकर रह रहे हैं, दोनों बिल्डिंग को पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आगे जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है आगे भी और बिल्डिंगे बनी उन लोग बोला और कैसे पानी सप्लाई कर पाओगे, और जो बिल नहीं भरते हैं ना वो पानी मिल रहा है, पानी हम लोगों को इतनी तकलीफ है इतना करने के बाद। सर कम है इसलिए हम लोग इधर चेक करने रहे हैं। अरे प्रेशर कम है साहब, तो टाकी बनाए ना आपने, इतना खर्चा करके टाकी बनाया तो टाकी का पानी किधर जा रहा है? अरे नहीं आ रहा है तो अभी तो परेशानी है ना साहब। सर ये सोल्यूशन नहीं हो ना, एक को भूखा रखो और एक को खिलाओ,
फिर वो लोग धरना दे तो उसको भूखा रखो, दूसरे को फिर उसको खिलाओ। सर अभी बंद नहीं किया था, रिकॉर्डेड है पूरा काटा हमारे पास, रिकॉर्डेड है कि उन्होंने बोला कि हाँ हमको ऊपर अधिकारी से आया है तो हम काट रहे, अधिकारी का नाम नहीं बता रहे हो। अरे ऐसा कौन सा अधिकारी है, हमको पत्र व्यवहार नहीं किए कुछ नहीं, सब रिकॉर्डेड है। उन्होंने पीठ पीछे बात नहीं हो रही है, मुंह पे बात हो रही है, रिकॉर्डेड है हर चीज। उन्होंने बोला है कि हमको अधिकारी का आदेश है कि काटो। हाँ ऐसे ही तो बोला है। अच्छा कट करके आप दूसरे को पानी देंगे? नल पूरा काट दिया होगा। वरिष्ठ तो हमारा आदेश है सिर्फ, बाकी काय बोललो नाही मी। कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन से उधर टैप करके हमको दिया हुआ है। आप इधर का वॉल कट कर देंगे तो हमको पानी नहीं आएगा उधर, ये हमारा टैप करो। विचार Thank you.